क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। Hey, what's up guys? So, आज मैं आपको आईफोन का ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ जिसे आप अपने फोन के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। बेसिकली अपने सिस्टम के एप्लीकेशन या फिर अपने जो रेगुलर ऐप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई भी इंस्टाग्राम, जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उसे आप कैसे हाइड कर सकते हैं अपने आईफोन में, और एप्पल के इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसे हाइड नहीं कर सकते, मतलब एप्पल आपको अलाउ ही नहीं करता या फिर कोई ऑप्शन नहीं है जिसे आप यूज करके अपने आईफोन में ऐप को हाइड करें। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उस एप्लीकेशन को, आपके कोई भी जो एप्लीकेशन है उसे आप हाइड कर सकते हैं बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए, आप उसे हाइड कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए। सो व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन हाइड करनी है अपने फोन में, अपने आईफोन में, तो आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना, यहाँ पे जस्ट सिंपल सेटिंग्स चेंज करनी है और उसे आप हाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स के अंदर चले जाना है आपको और मेक श्योर कि आपका iOS का वर्जन है वो iOS 12 या उससे ऊपर हो, यानी कि iOS 13 होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रिक नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स के अंदर स्क्रीन टाइम का, तो बेसिकली स्क्रीन टाइम के अंदर जाने के बाद द फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे करनी है जो कि आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करना है, जो कि आपको पासवर्ड सेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसे सेट कर दिया है तो आप इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कंटेंट एंड प्राइवेसी सेटिंग रिस्ट्रिक्शन के अंदर जाना है, अपना सिंपल पासवर्ड एंटर कर दीजिए एंड देन यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा अलाउड एप्स का, तो उसके अंदर जाइए और यहाँ पे कुछ आपको सिस्टम की एप्लीकेशन मिलेगी, फॉर एग्जांपल मेल, सफारी, कैमरा, फेस टाइम्स एंड ऑल दैट। सो आप इसे सिस्टम की जो एप्लीकेशन होती है उसे आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो सफारी है यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अवेलेबल है, मैंने अभी तक उसको हाइड नहीं किया बेसिकली, तो यहाँ से मैं उसको आपको हाइड करके दिख रहा हूँ जो कि सिस्टम सेटिंग्स है, सिस्टम की एप्लीकेशन है। तो जैसे यहाँ मैं सफारी को ऑफ करता हूँ जो सफारी वो और अपने आप जो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ जैसे ही आपको आप किसी भी ऐप को हाइड करते हो उसका जो डेटा है वो यहीं पे वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब जो आपका आइकॉन है वो जस्ट हाइड हो जाएगा और जो वैसा था वैसा यहीं पे रहेगा। तो इसे आप फिर से अनेबल कर दे सके यहाँ पे, और बैक अप जाने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस, तो उसके अंदर जाके आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा एप्स के अंदर। तो जैसे आप एप्स के अंदर जाओगे यहाँ पे कुछ आपको एज रेटिंग यहाँ पे मिलेगी 4+, 9+, 12+ एंड 17 ऑल दैट, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सेट करता हूँ मैं 9+, तो जो भी एप्लीकेशन थी फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह, जो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो भी एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे सिंपली हाइड हो गए। तो इसी एडवांटेज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और एप्लीकेशन को हाइड कर देंगे बेसिकली। तो जो भी एप्लीकेशन थी जो कि बिलो 9 एज की वाली थी वो सब यहाँ से हाइड हो गई है, और इसे फिर से अभी यहाँ पर आपको लाने के लिए क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है एंड देन यहाँ पे फिर से अगेन सेम सेटिंग्स प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे आप आओगे इसे आप कर लीजिए अलाउ ऑल ऐप, और जो भी ऐप्स जो आपकी हाइड हो चुकी थी वो फिर से यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो बस एक सिंपल ट्रिक है जिसे आप यूज़ करके अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए सिस्टम के सेटिंग से ही। सो कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन में, अपने आईफोन में आप ऐप्स को हाइड कर सकते हैं बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए और बिना किसी एक्सटर्नल ऐप्स को इंस्टॉल किए अपने फ़ोन में इजीली। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो भी अपने आईफोन यूज़र है और अपने फ्रेंड्स हैं जो आईफोन यूज़ करते हैं उसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ये ट्रिक के बारे में पता चले। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी वीडियो में, तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हे व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप की ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ जो कि स्पेशली आईफोन यूजर्स के लिए है।